नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा पॉइंट होने वाला है वो मेरा होने वाला है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, मतलब ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और उनका रेशियो क्या होता है। कंक्रीट रेशियो यहाँ लिख देता हूँ, रेशियो क्या होता है और उनका करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। थोड़ा बोलने में नहीं आ रहा है। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको 15 सेंटीमीटर के क्यूब में इसको डालकर इसका टेस्ट किया जाता है, जो आफ्टर 28 डेज इसके ग्रेड के अनुसार इसका आना चाहिए, वो होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो देखते हैं, पहला जो मेरा होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी कंक्रीट, ये नॉर्मल डिजाइन होता है जिससे हम लोग अपना काम करते हैं, इसको हम लोग खुद से इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहला देखते हैं M5 जो मेरा डिजाइन ऑफ ग्रेड है, इसका रेशियो होता है 1:5:10, मतलब एक जो मेरा ये जो एक है ना, ये सीमेंट का मात्रा हो गया, 5 जो है ये सैंड का मात्रा हो गया और 10 जो है एग्रीगेट का, मतलब अगर मान लेते हैं उसमें एक सीमेंट डालते हैं तो 5 सैंड डालना पड़ेगा और 10 एग्रीगेट डालना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रेंथ होता है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होता है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। आगे देखते हैं, आगे है M10, इसका जो रेशियो होता है 1:3:6 का होता है, मतलब एक सीमेंट, 3 सैंड और 6 एग्रीगेट, और इसका स्ट्रेंथ होता है आफ्टर 28 डेज 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगला है M15, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:4, मतलब एक सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट, इसका जो स्ट्रेंथ होता है आफ्टर 28 डेज वो होता है 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगला है M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3, हम लोग इसको टू से पढ़ते हैं, इसका जो सैंड इसमें आएगा एक, तो 1.5 इसका सीमेंट आएगा और 3 एग्रीगेट आएगा। इसका करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा आफ्टर 28 डेज वो होगा 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, वो भी सेकंड नंबर है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आ जाता है मेरा M25 से लेके M15 तक। इसका कोई एक्चुअल रेशियो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग रेशियो में करके इसको डिजाइन मिक्स करते हैं और उसको लैब में ले जाकर टेस्ट करते हैं, अलग अलग क्यूब में डालकर टेस्ट करने के बाद अगर उसका स्ट्रेंथ M25 का 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है तो वो मेरा डिजाइन मिक्स यूज करने के लिए सही है। वैसे ही M30 का जो मेरा न्यूटन पर एमएम जो इसका स्ट्रेंथ होता है वो होता है 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, M35 का होता है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये सब है मेरा आफ्टर 28 डेज। M40 का होता है 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, M45 का होता है 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, M50 का होता है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, M55 का होता है 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। थर्ड नंबर है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट सीमेंट, जो ये मेरा हाई स्ट्रेंथ वाला सीमेंट का जो कंक्रीट होता है वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, जैसे ब्रिज वगैरह हो गया, उस सब में पाइल वाइल करने के लिए यूज होता है। तो इसका जो मेरा ये भी मेरा डिजाइन मिक्स ही होता है, अलग अलग रेशियो में इसको डिजाइन करके और मिक्स करके इसको लैब में ले जाया जाता है और उसके बाद इसका ये उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे M60 है, इसका 28 डेज के बाद 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए। M65 है, तो इसका 28 डेज के बाद 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए। M70 है, इसका जो मेरा आना चाहिए 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये सब 28 डेज के बाद है। M75 है, इसका आना चाहिए 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर,
M80 है, इसका जो मेरा स्ट्रेंथ आना चाहिए 28 डेज के बाद वो आना चाहिए 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और ये सब मेरा जो भी रिजल्ट है वो मेरा IS कोड 456-2000 के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका जो भी मेरा M25 है, M30 है, या जो भी है M10 है, M20 है, इसका मेरा रेशियो में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो, अगर इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक बटन दबाइएगा। इससे आपको ये बेनिफिट और फ़ायदा होगा कि जब ही हम अपने वीडियो को अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।